हनुमान जयंती से पहले लखनऊ शहर के अलीगंज स्थित महावीर हनुमान मंदिर में एक बड़ा चमत्कार देखने के लिए मिला है। यहां पर जब मंदिर को कब्जा मुक्त कराने के लिए आसपास तोड़फोड़ कराई गई तो नवाबों की वक्त की कई ऐतिहासिक इमारतें सामने निकल के आईं, जिस पर दो मछलियां बनी हुई हैं, सूर्य चिन्ह है, गणेश जी की छोटी छोटी खूबसूरत प्रतिमाएं हैं और तो और लखौरी ईंटों की ये सभी इमारतें हैं। और इस मंदिर का एक जजमेंट भी सामने आया है जो 1920 का है। इसमें साफ तौर पर लिखा है कि मंदिर का निर्माण 6 मई 1783 में कराया गया था। इस मंदिर का निर्माण एक सुगंधित द्रव्य विक्रेता राजा जाटमल ने कराया था और खासा राम जो कि महंत थे उनको इस मंदिर में जो स्थापित मूर्ति है वो सपने में निर्देश मिला था, उसके अनुसार उन्हें प्राप्त हुई थी। यही नहीं, इसी हनुमान मंदिर में साक्षात हनुमान जी ने एक साधु को भी दर्शन दिए थे। हिंदुओं का ये गौरवशाली मंदिर लंबे वक्त तक लोगों के कब्जे में रहा, इसीलिए ये धरोहरें छिप गई थीं। इस वक्त हम लोग अलीगंज के हनुमान मंदिर पे खड़े हुए हैं और मेरे पीछे जो आप गेट देख रहे हैं ये पूरा तोड़कर और खुदाई करने के बाद सामने आया है और ये बताया जा रहा है कि नवाबों के वक्त का है। इसकी पूरा इतिहास क्या है ये जानने के लिए मंदिर कमेटी के सदस्य सभी हमारे साथ मौजूद हैं। इसमें अध्यक्ष भी और सचिव भी हैं और सचिव राजेश पांडे जी हमारे साथ है बात करने के लिए, उनसे जानते हैं कि कैसे गेट पूरा सामने आया। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। ये गेट सामने यूँ आया कि पहले इस गेट के सामने यहाँ अतिक्रमण था, एक सीढ़ी बनी हुई थी उसको ढक दिया गया था, बगल में एक रूम था उसमें किरायेदार रहते थे, इसमें भी किरायेदार रहते हैं। और ये गेट का सिर्फ ये जो सफ़ेद है इसके ऊपर का ही हिस्सा, ये पूरा ढका हुआ था, ये कमरे में तब्दील था, ऊपर का हिस्सा था जो देखने में लग रहा था कि ये पुराना है और बहुत पुराना है। फिर हिस्ट्री देखी गई तो पता लगा 6 मई 1783 का ये मंदिर है जो 1920 के जो यहाँ उस समय की अवध कोर्ट चीफ कोर्ट हुआ करती थी उसका एक जजमेंट है, AIR में कोटेड है, तो उसका जो एज उसमें लिखी सेम वही एज है इसकी। तो खैर पहले गेट को फ्री कराया गया, उसके बाद फिर ये पता लगा कि ये उधर से आने का एक रास्ता और था उसको खोला जाए, उसके खोलने के दरमियान ये पूरा पुराना हिस्सा ये निकला जो उसी कंस्ट्रक्शन के पीरियड का है, 1783 के आसपास का। आप इसकी ईंटें देख लें, इसका कंस्ट्रक्शन देख लें, ऐसा लगता है कि ये सब हिस्सा बात का है। देखिए सामने की एक बिल्डिंग है वो भी लखौरी ईंटों की है, तो ऐसा लगता है या तो उसके भीतर से ये गेट रहा होगा या ये वो मेन रोड रहा होगा और तब ये गेट इधर खुला होगा। कब्जा करते करते लोगों ने इस गेट को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया, अब ये जाके खुल पाया है। आप इसकी बनावट देखें, इसमें मछलियाँ देखें, वो सूर्य भगवान बीच में बने हैं वो देखें, और इसमें जितनी ये एंट्री गेट्स बनी थी या मेहराब जितने बने हैं इन सब पे ऊपर गणेश जी की फ़ोटो है, एज सबकी वही है। तो एक ये हुआ है, अभी इस तरफ का हम लोग प्लान कर रहे हैं कि जो भी टीनेंट हैं इसको यहाँ से हम खाली कराएंगे, तो जितना इस तरफ है उतना ही इस तरफ भी होना चाहिए ऐसा हम लोगों का मानना है। एक तरफ से धरोहर हो गई तो ये तो ASI के अंडर में आ गया क्या, उसको ये ASI वालों को सूचित किया है कि वो आके इसकी एज देख लें, इसमें और कंस्ट्रक्शन ऐसा कहाँ होगा। अब जैसे सामने से देखिए ये गेट आपका रहा होगा, अब ये एक्सटेंड करके यहाँ तक बना दिया, तो इसको भी तोड़ के इस गेट को चौड़ा करेंगे। और जो लोग ये भीतर एक शिव जी का मंदिर है, हाँ वो भी बिल्कुल उसी एज का है जिस एज का हमारा मंदिर है जी। लेकिन इतना कब्जा होने के बाद वो भी सब ऑलमोस्ट समाप्त हो गया है जी। ये है शिव जी का मंदिर वो सामने, तो वो यही रहा होगा, यही इसकी एंट्री प्रांगण ही था। अब जैसे ये है दोनों तरफ कब्जा हो गया, सामने की जो बिल्डिंग है ये भी उसी एज की है, आप देखेंगे वो भी लखौरी ईंटों की है। तो अब उसके भीतर से गेट था कि सड़क पहले नहीं थी, अब ये तो जो इतिहासकार हैं वही बता सकते हैं या आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाले बता सकते हैं। तो ये दोनों कैंपस थे, बीच की दीवार नहीं थी, ये उसी एज का कंस्ट्रक्शन है, हाँ कर लें, ये उसी एज का कंस्ट्रक्शन है जिस एज का बड़ा मंदिर का कंस्ट्रक्शन है। लेकिन धीरे धीरे करके अब सामने वाली बिल्डिंग का क्यों ऐसा हुआ, उसमें किस तरह की बात रही होगी, या उधर से कोई गेट रहा होगा उस वाली बिल्डिंग का जो सामने दिखाई दे रहे हैं, तो ये है।
अब देखिए ये, अब ये जो लखौरी है ना, ये लखौरी ईंट की, इतना ही इधर था और इतना ही उधर था, इतना ही इधर और इतना ही उधर। तो अब इसको खोलने पता लगेगा कि इसमें और तो इस तरह के स्ट्रक्चर नहीं है। लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट, लोकल 18।